हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉग कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉग का जो यूज़ किया जाता है ना, जो लॉग का यूज़ होता है वो केमिस्ट्री के अंदर भी लॉग का यूज़ किया जाता है, और फिजिक्स के अंदर भी हम लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग कैलकुलेशन दोनों सब्जेक्ट में की जाती है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो जो आज की वीडियो है, इसका फ़ायदा आपको फिजिक्स में भी होगा और इसका फ़ायदा आपको केमिस्ट्री में भी होगा। ठीक है, लॉग हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आप देखो, हमारे पास होता है एलएन, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है ना, एलएन लिख देते हैं, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बेस ई ऐसे लिखेंगे। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग। ठीक है, और एक हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करते हैं लॉग की, वो होता है 10 बेस पर। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे लॉग बेस 10। क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग बेस 10। ठीक है ना, लॉग बेस 10। तो ज्यादातर जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस बेस पर करते हैं, लॉग बेस 10 पर हम कैलकुलेशन को करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में, ठीक है, हमको ln दिया हुआ है, तो उस ln को हम log base 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं। अगर ln को हमको कन्वर्ट करना हो log base 10 में, तो बच्चों 2.303 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा log का बेस क्या बन जाता है, 10 बेस बन जाता है। या इसको हम ln को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर log base e। अगर हम log base e को log base 10 में कन्वर्ट करना चाहे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो जो ये log हम सीख रहे हैं आज की वीडियो में, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, देखो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो कौन कौन से चैप्टर में लॉग की कैलकुलेशन आती है। तो अगर मैं क्लास 11th में बात करता हूँ, तो क्लास 11th के अंदर जो लॉग की कैलकुलेशन है वो तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स में आती है। थर्मोडायनामिक्स में आपको लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और दूसरा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आपको लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर 12th क्लास में हम बात करें, तो 12th क्लास का चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर आपको लॉग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर एक चैप्टर आता है हमारे पास 12th क्लास में ही, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर केमिकल काइनेटिक्स के नाम से हम इस चैप्टर को जानते हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर हमको लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इनके अंदर फॉर्मूले जो आते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का फॉर्मूला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उसमें लॉग लगता है। इक्विलिब्रियम में हमको पीएच निकालने के लिए लॉग की कैलकुलेशन आनी चाहिए, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नस्ट इक्वेशन होती है हमारे पास, उसमें लॉग की कैलकुलेशन आती है। और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, जिसमें लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लॉग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिससे आपको लॉग की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि लॉग, ये जो ln है क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो हमको कैलकुलेशन करनी है वो किस बेस पर करनी है, 10 बेस पर करनी है। तो अगर हमारे पास ln में दिया हुआ है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है, तो उसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। कुछ लॉग में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तीन फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद रखेंगे। ठीक है ना, लॉग का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लॉग के अंदर कभी ऐसा लिखा जाए लॉग 10 की पावर n, ये ना पावर में कुछ लिखा हुआ है लॉग के अंदर, तो जो ये पावर होती है ये सामने आ जाती है कोफिशिएंट में,
इसको हम लिख लेते हैं n log 10, ठीक है। अगर पावर में कोई भी चीज लिखी है log के अंदर, तो ये पावर सामने आ जाती है यहाँ पर, और ये बन जाता है n log 10, ठीक। पहला फॉर्मूला आप ये याद रखोगे। दूसरा फॉर्मूला, log के अंदर यदि m into n कोई चीज मल्टीप्लाई में है, log के अंदर की कोई दो संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m plus log n। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, log m plus log n, मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है ना, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट कर दो और दोनों को अलग अलग log के साथ लिख दो, m को भी और n को भी, तो log m plus log n इस तरीके से लिखा जाता है। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, अगर कहीं पर आ रहा है log x upon m या x upon y कर लेते हैं, ठीक है, log x upon y है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, log x minus log y, तो जो डिवाइड में होगा वो log के अंदर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और उसको दोनों को x और y को दोनों को log के साथ लिखेंगे अलग अलग, तो मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में लिखा जाता है log के साथ। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं log के जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इनका हम यूज करेंगे कैलकुलेशन करते समय। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है log की, ठीक है ना, log वैल्यूज आपको याद करनी है कुछ, तो log वैल्यूज क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सारी की सारी वैल्यूज में 10 बेस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम 10 बेस पर ही कैलकुलेशन करते हैं, तो log बेस 10, जीरो की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट, इतनी होती है, इनफाइनाइट होती है log बेस 10 जीरो की वैल्यू, log बेस 10 1 की वैल्यू होती है जीरो, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और इसको आप राउंड ऑफ करके 0.3 भी केवल लिख सकते हो, जिससे आपके कैलकुलेशन आसान हो जाए। log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.4771, आप इसको राउंड ऑफ करके 0.48 भी लिख सकते हो। log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, और इसको आप लिख सकते हो 0.6। उसके बाद log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.6989, और इसको आप 0.7 राउंड ऑफ में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं log बेस 10 6, इसकी वैल्यू होती है 0.7781, इसको आप राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हो 0.78 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं log 7 की वैल्यू, तो log 7 कितना होता है बेस 10 7, 7 की वैल्यू होती है 0.8451, और इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 0.84। उसके बाद log बेस 10 8 की वैल्यू कितनी होती है 0.9030, इसको आप राउंड ऑफ करके 0.9 लिख सकते हो। log बेस 10 9 की वैल्यू कितनी होती है 0.9542, और इसको आप राउंड ऑफ करके 0.95 लिख सकते हो। उसके बाद log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log बेस 10 100 की वैल्यू होती है 2, log बेस 10 1000 की वैल्यू होती है 3। जैसे जैसे एक एक जीरो इंक्रीज होती जाएगी, एक एक नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको log वैल्यूज बता दी है। अब देखो एक बार और देख लेते हैं, log बेस 10 जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, log बेस 10 1 की वैल्यू जीरो होती है, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, आप इसको 0.3 लिख सकते हो, log बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, इसको दो डिजिट तक आप लेना चाहो तो 0.48 रख सकते हो, log बेस 10 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू 0.6989, log बेस 10 6 की वैल्यू होती है 0.7781,
अब इनमें से कौन सी वैल्यू है जो आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, 1 की वैल्यू 0 है, 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.47 है, और आपको log 5 की वैल्यू 0.6989 होती है। ये आपको लर्न करना है, जिस पर मैंने राइट लगाया है। लर्न तो वैसे आपको सभी करना है, log 4 भी लर्न करना है, log 6 भी लर्न करना है, लेकिन अगर आप log 4 और log 6 की वैल्यू भूल जाते हो तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं अभी, और मैं आगे एग्जांपल में आपको इनकी वैल्यूज निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन जिन पर मैंने राइट के निशान लगाए ना, इनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इनकी वैल्यूज को आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद log 7 की वैल्यू को आप डायरेक्ट याद करना, इसको भूलना नहीं है, और उसके बाद की आप सभी वैल्यूज को निकाल सकते हो यदि आप भूल जाओ तो। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। हमको निकालनी है फॉर एग्जाम्पल log बेस 10, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 2 की पावर 2, तो ये 2 सामने आ जाएगा, तो log बेस 10 2 और 2 इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 0.3010, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0206.0। तो क्या log 4 की वैल्यू मैंने आपको यही बताई थी, आप चेक कर लो log 4 की वैल्यू 0.6020, और हमारे पास यही वैल्यू निकल कर आई है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मैं और करके दिखा देता हूँ एग्जांपल आपको, यदि आप log 6 की वैल्यू को भूल जाओ, ठीक है ना, log 6 की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो log 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2 करके लिख सकता हूँ, 3 × 2 कितना होता है, 6 ही होता है। अब यहाँ पर तुम एक फॉर्मूला लगाओ log में, मैंने आपको बताया था log m into n अगर आ जाए तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, log m, ठीक है ना, और प्लस करके क्या लिखते हैं, log n, ठीक है ना, log m प्लस log n लिखते हैं इस तरीके से। अब देखो m की जगह पर मेरा क्या है, 3 है, और n की जगह पर क्या है, 2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ log 3 प्लस log 2। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे को याद है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो इन वैल्यूज को जब हम जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको log 6 की वैल्यू मिल जाएगी 1877, ठीक है। इस तरीके से हमको log 6 की वैल्यू मिल जाती है। आपको अगर वैल्यू निकालनी हो, एक एग्जांपल और करके देखते हैं, उसके बाद आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमको log 8 कैलकुलेट करना है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो log के अंदर हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 3, देखो पावर बाहर आ जाती है ना, तो 3 बाहर आएगा log 2, तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.9030, ये हमारे पास log 8 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको log 9 को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, 10 बेस पर 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 log 3, और 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 4 और 5, 9, कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास log 9 की वैल्यू आ चुकी है। तो जिस भी वैल्यू के तुम फैक्टर कर सकते हो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने log बेस 10 16 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 16 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ, log बेस 10 4 की पावर कितना करेंगे, 2, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं 16 को, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो log बेस 10 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020 होती है, इसका डबल कर लेंगे तो 0.4012 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास log 16 की। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो log 13 की वैल्यू आ जाए निकालने के लिए, तो इसके तो फैक्टर कर नहीं सकते हम, तो फिर इसकी वैल्यू का पता कैसे लगेगा, तो आप फिर अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, आप इसके आसपास की वैल्यू
का लॉग निकाल लो, जैसे कि हम लॉग इसका 12 का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लॉग बेस 10 12 की वैल्यू निकालूंगा और जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर देना तो 13 की वैल्यू आ जाएगी। पर 12 की निकालते हैं, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 करके या 6 × 2 करके लिख लूँ कैसे भी। तो ये m into n का फॉर्मूला लगेगा, log 4 प्लस log 3 हो जाएगा। तो log 4 की वैल्यू 0.6020 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। तो इसको ऐड करो ये आ जाएगा 197 और 10, ठीक है ना, 1.07 आ गया। तो अब आपको 13 की वैल्यू निकालनी है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो log 13 की वैल्यू 1.08 के समथिंग लिख देना, थोड़ा सा इंक्रीज करके लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में आप फिर आंसर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपके ऑप्शन में ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं तो लोग 12 की और लोग 13 की जो वैल्यू होगी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, आप 12 की वैल्यू भी रख के सोल्व कर दोगे तो तब भी आपका आंसर मैच कर ही जाएगा, यदि ऑप्शन दूर दूर हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आप लॉग की कैलकुलेशन को कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप घर से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जैसे कि आपको लॉग बेस 10 25 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको लॉग बेस 10 40 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको लॉग बेस 10 50 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको log base 10, ठीक है ना, 2 × 10 की पावर -2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और log base 10, log base 10 3 × 10 की पावर 4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनके फैक्टर को लिखना। जैसे मैं हिंट दे देता हूँ आपको, 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 40 को क्या लिख सकते हो, 10 × 4 लिख सकते हो। 50 को कैसे लिख सकते हो, 10 × 5 लिख सकते हो। यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाना, अभी मैंने फॉर्मूला बताया लॉग एम इंटू एन का, क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको एम मान लेना, इसको एन मान लेना, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो भी इनके आंसर्स होंगे आप मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स बताइए, ठीक है ना, मैं आपको चेक करके फिर बता दूंगा आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे आपको। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा एंटी लॉग की कैलकुलेशन, एंटी लॉग कैलकुलेशन बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब एंटी लॉग क्या होता है, ये लॉग का उल्टा होता है, ठीक है। लॉग को हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने बताया कि लॉग एक्स की वैल्यू कहीं पर मेरे पास आ गई 13.3, कुछ इस टाइप से लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, तो मुझे एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस लॉग को एक्स के सामने से जो लॉग है लॉग को हटाने के लिए दूसरी साइड में एंटी लॉग लेंगे। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ 13.3 का क्या लेना पड़ेगा, हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो तब हमको एक्स की वैल्यू पता चलेगी। तो ये एंटी लॉग किसी भी वैल्यू का कैसे लेते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।